पुणे जिले में हेंकेल एडहेसिव टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सीआरपीएफ और एनजीओ के सहकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। पुणे जिले के तलेगांव दाभाड़े परिसर में कम सुविधा वाले स्कूलों में छात्रों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता और सैनिटरी पैड के सुरक्षित निपटान पर जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क 1,00,000 सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। ये कार्यक्रम तलेगांव दाभाड़े के सीआरपीएफ कैंप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हेड ऑफ गेस्ट के रूप में श्वेता बापट, दक्षिण एशिया हेड हेंकेल टेक्नोलॉजी के भूपेश सिंह, कॉर्पोरेट हेड हेंकेल इंडिया की संध्या केडलिया, पुणे सीआरपीएफ विभाग के डॉक्टर ए राधा, डीएल गोला समेत कई मान्यवर उपस्थित थे। लड़कियों के किशोर अवस्था के दौरान होने वाले बदलाव से संबंधित जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। किशोरी बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म चक्र के समय स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, सादे पौष्टिक आहार एवं साफ सफाई की जानकारी दी। सीआरपीएफ तलेगांव में आज ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये हेंकेल इंडिया वी टू केयर और रीजनल काबा सीआरपीएफ के सौजन्य से हुआ है। और इसमें तलेगांव रीजन के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत किया है, यहाँ के और प्रोमिनेंट लोगों ने शिरकत किया है। और इसमें मेन इसका उद्देश्य था जो कार्यक्रम का वो था जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का इशू है, जो समस्या है, उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना और साथ ही बच्चों को हेंकेल इंडिया की तरफ से और वी टू केयर की तरफ से फ्री में सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन लोगों ने भी जो भी संस्थाएँ यहाँ हमारी से जुड़ी हैं उनके मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।